ये प्राइवेसी नहीं, आप सड़क पे बैठी है, फिर लीगल इलीगल हो गया, आप तो इलीगल जगह बैठी है मैडम, कहाँ जा रही है मैडम? मैडम आपको स्क्रीन कहना था, बोलिए ना मैडम, आप बोलिए मैडम, आप माशाल्लाह हमारी फख्र है, आप भारत का चौथा स्तंभ है, हम चाहते हैं आप बोले, आप तो करंट आए, कहाँ जाइए मैडम, आप भी आकर, मैं भी आकर, मुझे जाना थी यहाँ के लोगों को, कहाँ जा रही मैडम, इतनी मेहनत करके सिर्फ याद कर रही, कहाँ जा रही आप? तीन बार हो चुका, बुलडोजर आता है अपनी मुँह की खाता और चला जाता है, और ये बेचारे तमाम गोदी मीडिया वाले मुजरे करने को बेकरार है कि हम कहाँ पर ऐतिहासिक जीत दिखाए। अभी देखिए आप सारे के सारे जितने भी है डिजिटल तवायफ है सारी की सारी अंदर छुपी हुई है कि कभी पब्लिक इनको मार दे, तो फिक्र मत करो मुल्ला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आराम से उत्पात मचाओ, आतंकवाद मचाओ और आराम से अपने घरों को जाओ, क्योंकि मुल्लाओं की वजह से तुम्हारी रोटियां चलती हैं। अगर मुल्लाओं पे तुम पॉलिटिक्स करना बंद कर दोगे, न्यूज़ दिखाना बंद कर दोगे, जिहाद इस्लाम हलाल हराम करना बंद कर दोगे, तो तुम्हें पूछेगा कौन? कुत्ता भी तुम्हारे चैनलों पे मूत कर नहीं जाएगा। वही भड़की से सवाल पूछिए हमसे, वही चुपके हुए आप जिहाद दिखाइए, वही दिखाइए, देखो मुल्ला ये कर रहे हैं, देखो मुल्लाओं ने पूरे भारत में, तो आप दिखाते चैनल पे अपने, तब आप तो मुल्ला कहने का प्राइवेसी का हनन नहीं कर रही हैं? नहीं प्राइवेसी का हनन नहीं कर रहा है, ये प्राइवेसी नहीं, आप सड़क पे बैठी है, फिर लीगल इलीगल हो गया, आप तो इलीगल जगह बैठी है मैडम, कहाँ जा रही है मैडम? मैडम आप तो स्क्रीन कहना था, बोलिए ना मैडम, आप बोलिए मैडम, आप माशाल्लाह हमारी फख्र है, आप भारत का चौथा स्तंभ है, हम चाहते हैं आप बोले, आप तो करंट आए, चाहते हैं करंट आए, आप कहाँ जाइए मैडम, आप भी आकर, मैं भी आकर, मुझे जाना थी यहाँ के लोगों को, मैं कहाँ जा रही हूँ मैडम, इतनी मेहनत करके सिर्फ याद कर रही, कहाँ जा रही हैं आप? क्या कहना चाहती हैं आज की कार्रवाई पे, जिस तरीके से शाहीन बाग में बुलडोजर आया और वापस चला गया? वो तो मैं आज शुरू से कह चुकी कि शाहीन बाग में बुलडोजर आएंगे और जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर टेरर है, शाहीन बाग को डराने के लिए ये पहले चीखम चिल्ली मचाते हैं, बुलडोजर आ गए, ओए बुलडोजर आ गए, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि लीगल इलीगल यहाँ पर कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत छज्जा बज्जा अगर होगा तो उन लोगों ने खुद तोड़ लिया, इसके अलावा तीन बार हो चुका, बुलडोजर आता है अपनी मुँह की खाता और चला जाता है, और ये बेचारे तमाम गोदी मीडिया वाले मुजरे करने को बेकरार है कि हम कहाँ पर ऐतिहासिक जीत दिखाएं। अभी देखिए आप सारे के सारे जितने भी है डिजिटल तवायफ है सारी अंदर छुपी हुई है कि कभी पब्लिक इनको मार दे, तो फिक्र मत करो मुल्ला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आराम से उत्पात मचाओ, आतंकवाद मचाओ और आराम से अपने घरों को जाओ, क्योंकि मुल्लाओं की वजह से तुम्हारी रोटियां चलती हैं। अगर मुल्लाओं पे तुम पॉलिटिक्स करना बंद कर दोगे, न्यूज दिखाना बंद कर दोगे, जिहाद इस्लाम हलाल हराम करना बंद कर दोगे, तो तुम्हें पूछेगा कौन? कुत्ता भी तुम्हारे चैनलों पर मूत कर नहीं जाएगा। तुम आराम से तुम दिखाओ, मुसलमान तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आराम से नफरतें फैलाओ। लेकिन हाँ, ये मैं पहले भी आपके चैनल से कहती चली आ रही हूँ, और लगातार जब जहांगीरपुर में बुलडोजर चला था, मैं जब से कह रही हूँ कि कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हो जो शाहीन बाग की तरफ मुंह भी उठाकर देख ले, बुलडोजर लाएंगे लगाएंगे और वापस ले जाएंगे। तो ये एक ड्रामा है, मुसलमानों को डराना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। मैडम इलीगल होगा तो टूटेगा ना, इतने लोग क्यों उतरे फिर सड़कों पे? नहीं तो लीगल इलीगल सिर्फ यही इलीगल लीगल है, पूरा दिल्ली इलीगल लीगल है, और सबसे ज्यादा लीगल इलीगल पे बात आई तो सबसे पहले MLA MP काउंसलर की प्रॉपर्टी को डैमेज करो ना, सबसे ज्यादा हराम खबे तो ये है, सारी प्रॉपर्टी इन्होंने जमा कर रखी है, भूखे नंगे आते हैं और अरबपति बन जाते हैं, मुसलमान को गरीब को दलित को तोड़ के तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? कुछ हासिल नहीं हो रहा। मंदिर पे बात करेंगे, मस्जिद पे बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, और बात इलीगल की अगर आएगी तो आपको तो पता होगा कि गिरगिट पुलिस को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, गिरगिट पुलिस को किस तरह तमाम जगह बेहुर्मती हो रही है, इनकी बेहुर्मती हो रही है, जब ये हमारे रक्षक हैं और अदालत इनको कह रही है कि तुम अंधे हो, निप्पल पी रहे थे, जो तुम इलीगल यात्रा को प्रमोट कर रहे थे जहांगीरपुरी में, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर लीगल इलीगल का मामला है तो मोदी जी आप ही तो थे, केजरीवाल साहब आप ही तो थे जो एक नारा दे रहे थे, जहां झुग्गी वहां मकान, तो खुदा रहा यहां तो मकान है, इनको तो मत तोड़ो, और तोड़ रहे तो दो। तो ये सारा ड्रामा सिर्फ दिल्ली में MCD का इलेक्शन है, उस इलेक्शन को जीतने के लिए BJP हर हद तक जाएगी, और मुसलमानों पर क्योंकि इनकी रोटियां सिकती हैं, 80-20 का ये खेला खेलते हैं, तो मुसलमानों से जीतने के लिए, मुसलमानों को हराने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, नफरत का एक गेम खेलने के लिए ये बुलडोजर को, आपको खुद पता है कमीन मिश्रा आतंकी चलता फिरता बम, उसने क्या कहा, JCB का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड, तो वो खुद मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। तो कुछ भी कर लो, मुसलमान सुप्रीम खुदा वाला एक खुदा से कल भी डरता था, एक खुदा से आज भी डरता है, वो 33 करोड़ भगवान वाला नहीं है कि कोई ना कोई आएगा, उसको अल्लाह पर यकीन है, अगर मुसलमान की प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो अल्लाह ने लिख दी, कोई नहीं रोक सकता, तो मुसलमान हर तरह से तैयार है। लेकिन ये 80-20 का खेला, ये इलीगल इलीगल का खेला, ये JCB से मुसलमानों को डरावा, इस तरह नहीं कर
कर सकते, मुसलमान समझ चुका है और अब दुनिया समझ चुकी है कि भारत में खेला हो क्या रहा है। सिर्फ मुसलमानों पे पॉलिटिक्स हो रही है, पूरी बीजेपी सरकार मुसलमानों पर टिकी हुई है। बीजेपी भी शाहीन बाग के नाम पर राजनीति कर रही है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इमरान प्रतापगढ़ी भी है, अमानतुल्ला भी है, सारे नेता उतरे हुए, इस पे क्या कहना चाहती है? भाई देखिए, अमानत साहब अगर यहाँ पर है तो उनका तो बनता है, वो ओखला के एमएलए हैं और उनको यहाँ पर आने, वो खलीफा हैं, और अगर खलीफा यहाँ नहीं होगा तो फिर कौन होगा? इमरान प्रतापगढ़ी को भी होना चाहिए, क्योंकि भाई वो इकलौते मुसलमानों के रिप्रेजेंट हैं, और यहाँ तो डूब के मर जाना चाहिए था अगर यहाँ पर ना थे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी बहुत कम बोलते हैं, ये तो उनके घर के नीचे का मामला है। तो अब अपनी तई सब जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं करंट आ रहा है कांग्रेस में भी, कि कांग्रेस भी पूरा का पूरा कोशिश करे किसी भी तरह बैक कर ले।